हारानगर थाना क्षेत्र के जैन स्कूल स्थित परीक्षा केंद्र पर मैट्रिक परीक्षा के दूसरे दिन पहली पाली में परीक्षार्थियों के अभिभावकों द्वारा जमकर हंगामा किया गया। हंगामा के दौरान अभिभावकों ने स्कूल के प्राइवेट गार्ड की चप्पल से पिटाई कर दी, उस पर ईंट व पत्थर भी फेंके। घटना को लेकर लोगों में अफरा तफरी मची रही। बताते चले कि नकल तैयार करने को लेकर परीक्षार्थी लेट हो रहे थे, अभिभावकों ने किया जमकर हंगामा। बताया जाता है कि नकल करने को लेकर परीक्षार्थी समय अनुसार स्कूल में प्रवेश नहीं कर पाए, जिसके बाद अभिभावकों द्वारा जबरन उन्हें स्कूल में प्रवेश कराया जा रहा था। जब गेट पर मौजूद प्राइवेट गार्ड ने इसका विरोध किया तो परीक्षार्थियों के अभिभावकों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के दौरान उन्होंने गेट पर मौजूद गार्ड एवं पुलिस पर चप्पल व ईंट व पत्थर फेंकने लगे, जिससे ईंट लगने से गार्ड जख्मी हो गए। इधर घटना की सूचना मिलते स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, अभिभावकों को शांत कराया, मामले की छानबीन में जुट गई है। जानकारी के अनुसार जख्मी प्राइवेट गार्ड चंद्रमा चौधरी है। जख्मी सुरक्षा कर्मी चंद्रमा चौधरी ने बताया कि नकल करने को लेकर परीक्षार्थी लेट हो गए थे, जिसके बाद उनके अभिभावकों द्वारा जबरन उन्हें गेट के अंदर प्रवेश कराया जा रहा था। जब लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो परीक्षार्थियों के अभिभावकों द्वारा जमकर हंगामा किया गया। इसके बाद अभिभावकों द्वारा अचानक ईंट पत्थर व चप्पल फेंका जाने लगा, जिससे ईंट लगने से वह जख्मी हो गए। सही पॉइंट उन्होंने गेट बंद कर दिया।